मटेरियल लगा दी मैंने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का बहुत स्वागत है। लगता है सभी लोग सो गए हैं। है ना? दो आदमी हैं लाइन में, देखते हैं कौन कौन है। तो भैया जगदीप क्रोशिया का वीजा लगता है। हाँ जी जगदीप भाई जी, लग रहा है वीजा क्रोशिया का, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब चालू है। ठीक है, विनोद कुमार, हेलो हेलो विनोद कुमार, कैसे हो? हनीफ गज जी, ब्रदर कम टू, ओके ब्रदर, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत आप लोग का। एन के एस नीरज, राम राम भाई जी, क्या हाल है? महेंद्र चौरसिया भाई, नमस्कार नमस्कार। विनय बुधकोरी जी, कैसे हो भाई? ठीक है जी, बढ़िया है। देखो अभी ड्यूटी से आके अभी जस्ट बस तैयार हो रहे हैं, सोचे कि आज लाइव आ जाते हैं, लोग बता देते हैं। जगदीप रांगी जी, इकरन का क्या बना भैया? तो इकरन से कोई लेना देना नहीं है हमें, हम क्रोशिया में रहते हैं, क्रोशिया सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जो भी बंदा क्रोशिया आना चाहता है और आने वाला है, उसके लिए कोई दिक्कत और कुछ कुछ भी समस्या नहीं है। वो आ सकता है, ठीक है। सतेंद्र यादव, राम राम भाई जी, राम राम। विनोद कुमार भाई, मैंने भी वीजा लगवाना है। ठीक है विनोद कुमार जी, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पासपोर्ट का पीडीएफ फाइल बना के और सीवी बना के दीजिए, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, जिस भी बंदे को, किसी भी बंदे को आना है क्रोशिया, किसी भी स्किल में आना है, अपना का अपने पासपोर्ट का जो है कि पीडीएफ फाइल बना के और एक रिज्यूम बना के बढ़िया सा हमारे पास सेंड कर दीजिए। हम कंपनी में जो है कि जब मौका मिलेगा अप्लाई कर देंगे, आप लोग बता देंगे, ठीक है। चरणजीत चंदन, हेलो हेलो जी, कैसे हैं? सूरज कुमार, सूरज कुमार ठीक। हनीफ जैंग भाई, कितना बज रहा है? तो भैया यहाँ पे तो बज रहा है 6:28, ठीक है, 6:28 बज रहा हो रहा है। आज कुछ न्यू अपडेट है भैया? न्यू अपडेट यही है कि वीजा निकल रहा है, वो भी कम समय में, 2 हफ्ते में वीजा इशू हो जा रहे हैं क्रोशिया का। जो भी अगर लगवाना, किसी को भी कहीं से भी लगवा रहा है, उससे बात कीजिए, 2 हफ्ते में वीजा मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा वर्क परमिट 3 आदमी का जो है कि 2 हफ्ते के में मिल गया है। महेंद्र चौरसिया, ठीक है जी, आपका ध्यान ही है, आप मज़े में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ फाइल बस भेजते रहिए आप लोग का, हाँ ठीक है, मैं आप लोगों का काम करवाता हूँ। प्लीज़ आप एक बार बता सकते हो? विनोद कुमार जी बताइए, क्या बताना है आपको? दीपक शर्मा सर, कल मिलना चाहते हैं हम। दीपक शर्मा जी, शनिवार का ड्यूटी है हमारा, संडे को मिलेंगे, ठीक है। यान के एस नीरज, मेरा पीसीसी क्रोशिया स्टेन फेयर ने पास नहीं किया। भैया ऐसे नहीं होता, पोस्टल हो जाता है, ठीक है। पोस्टल करवाना वाला बंदा सही नहीं आता, आपका पीसीसी सही नहीं हुआ, इसलिए पोस्टल नहीं हुआ होगा। पोस्टल तो हो जाता है ऐसे, ठीक है। जगदीप, अरे यार मोलिया गिर गई।
जगदीप ब्रांगी जी, हमने होटल के काम पर आना, कितनी सैलरी मिलेगी? तो होटल के काम में आए चाहे कंस्ट्रक्शन में के काम में आइए, सबको जो है बेसिक सैलरी 5,000 कुना स्टार्टिंग में मिलेगी। उसके बाद जितना ड्यूटी करेंगे आप, ठीक है, ओवर टाइम के हिसाब से और सैलरी इंक्रीज होके आएगा। तो आप स्टार्टिंग दौर में जो है कि आराम से खा पी के 50 से 60 हज़ार कमा लेंगे, उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। हरनेक बचल, क्या सैलरी है सर किलर्स लाइन की? तो सबकी सैलरी मिला जुला के सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। आप खा पी के स्टार्टिंग दौर में 50 से 60 हज़ार कमा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेरा वर्क परमिट नहीं आया है, क्यों? विनय बुदकर जी, अब वर्क परमिट आप कहाँ से लगवाए हैं, अब उससे बात कीजिए क्यों नहीं आया, ठीक है। शानू मंसूरी जी, ब्रो मैं आ रहा हूँ 11 तारीख को मॉर्निंग, बोलो फ्लाइट से रेखा में, ठीक है आइए रेखा में। आप जागरेब एयरपोर्ट पे ही आएंगे पहले ना? गुलशन वर्मा, आपका व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा, ठीक है। बलदेव सिंह जी, हेलो कैसे हैं? हनीफ जी, गज जी, ओके। मेरा पासपोर्ट ACR है, ECNR पासपोर्ट हो चाहे ACR पासपोर्ट, सब चलता है भैया, ठीक है। रमेश रप्रिया जी, राम राम जी। सत्येंद्र यादव भाई, वर्क परमिट लगभग कितने दिन में आ जाता है भैया? तो वर्क परमिट लगभग सतेंद्र भैया जी आ जाता है 2 से 3 हफ्ता में मिल जाता है। मेरा तो 2 ही हफ्ता में मिल गया वर्क परमिट, मैंने अप्लाई किया था 3 लोगों का, तो मिल गया 2 हफ्ते में, तो 2-3 हफ्ते में मिल जाता है, ठीक है। विनोद कुमार, पैसे कितने लगते हैं भैया? विनोद कुमार जी, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, उससे बात करेंगे पैसे के बारे में। कोई फिक्स रेट नहीं है यहाँ का, जो जितना ले ले उतना ही कम है, ठीक है। आपने जी रिप्लाई नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक हूँ मैं, क्या मेरी मदद कर सकते हैं? रमेश रप्रिया जी, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु सोनी, मैं भी ठीक है। सोनी जी, आपका क्या लिखे हो? भजता हूँ कल। हनीफ गज, ABCMFAL, कब से कितना अनुबंध वीज़ा लगते हैं? भाई हनीफ जी, मैं आपकी बात समझा नहीं, दोबारा लिखें क्या बोलना चाहते हैं आप, ठीक है। सके सुनी सर, आपके थॉट अप्लाई करवाना है, आप करोगे क्या, चार्ज बताओ। तो साकेत सोनी जी, आपका तो व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ कल और बताता हूँ, ठीक है। ब्रिजराज सिंह जाला, धर्मेंद्र भाई यहाँ क्या हाल है वो भी बताओ, लोग कैसे फंस जाते हैं आने के बाद वो भी तो बताओ सबको। ब्रिजराज भाई जी, देखिए लोग आके फंस तो जाते हैं, मैं अपनी वीडियो में हमेशा लोगों को बताते आता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे वीडियो पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं। इनका वीडियो सही नहीं है, और जो है कि मेरे वीडियो को इग्नोर कर देते हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो लोगों को बताते रहता हूँ लेकिन फिर भी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो फंस जाते हैं उनकी हम मदद करेंगे, कोई बात नहीं है। हरदीप सिंह जी, सर्बिया टू क्रोशिया आ सकते हैं? तो भैया सर्बिया टू क्रोशिया आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। सर आपके थॉट अप्लाई करवाना है, कुछ बताएं, ठीक है। साके सोनी जी, कल हम आप बात से संडे को आपसे बात करेंगे, ठीक है। NKS नीरज, मेरा एजेंट बोलता है कि 1 लाख फालतू लगेगा, काम हो जाएगा। तो भैया 1 लाख फालतू मतलब कितना टोटल अमाउंट है आप बताइए, उसके बावजूद भी 1 लाख ले रहे हैं, समझ के बाहर है। जिला सिंह जी, राम राम, कैसे हैं? सोनू भाई, मेरा एग्रीमेंट आए हुए 3 महीने हो गए,
एजेंट अभी भी बोल रहा है कि वीजा आने में 15 दिन लग जाएगा, आपका क्या सुझाव है? तो भैया सोनू, एजेंट एग्रीमेंट यदि आ जाता है तो एग्रीमेंट 1.5 से 2 महीने काफ़ी है, 3 महीने तो बहुत दिन हो गया। 3 महीने तो बंदा इंडिया से क्रोशिया आ जाता है 3 महीने में, ठीक है? तो अगर 15 दिन में बोल रहा है आ जाएगा तो 15 दिन इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद जो है कि आप उसको पूछिए, से बात कीजिए, ठीक है? ये क्या बात है, अभी क्या हुआ, तो वो कुछ तो बताएगा, है ना? मून साइट इंडियन ना हैवी लाइसेंस क्रोशिया में चेंज कर सकते हैं। तो मून साइट जी, आपको बता दूं कि यहाँ लाइसेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैलिड रहता है, आप चला सकते हैं गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग चलाते हैं इंडियन लाइसेंस पे, हम डेली आते जाते हैं इंडियन लाइसेंस पे, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, बस लाइसेंस होना चाहिए। ओके, जगदीर आएंगे क्रोशिया टू सेंगन, मूव हो जाएगा इटली। तो भैया जगदीप रांगी जी, इसका सजेशन मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि यहाँ घूमने के लिए बंदे नहीं आते हैं, आप पैसे कमाने के लिए आते हैं, तो एक बार यहाँ भी आके सेट हो जाएंगे तो यहाँ भी पैसा कमाएंगे, जरूर नहीं कि इटली जाने के बाद ही पैसे कमाएंगे आप, ठीक है? मनीष सिंह, हाउसकीपिंग का काम कैसा है क्रोशिया में? होटल का हाउसी काम वैसा ही जैसे इंडिया में होता भैया, सफाई करना है सब होटल में, ठीक है? अच्छी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। सतेंद्र यादव भाई, मेरा एजेंट बोल रहा है कि कंपनी क्रोशिया से स्लोवानिया लेकर जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या? भैया देखिए, यदि कंपनी चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है, आपको क्रोशिया स्लोवानिया नहीं, आपको इटली भी लेके जा सकता है और जर्मनी भी लेके जा सकता है जब कंपनी चाहेगी तो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर्बिया से क्रोशिया आ सकते हैं भैया, सर्बिया से क्रोशिया आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी चाहेगी तो। लीगल तरीके से आना है तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, लीगल तरीके से आना है तो आपको भाग के आना पड़ेगा, इसका सेशन मैं नहीं देता हूँ, आप लीगल तरीके से आइए, ठीक है? ठीक है, हैप्पी बर्थडे। ओके जी, रहमत अली, हाय, राम राम जी सर, गेमिंग अनोखी दुनिया, कैसे हो आप? वेलबक वेलकम है आपका लाइव में, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी देर तक अभी तक जाग रहे हैं आप लोग। यार थोड़ा सा टाइमिंग का अभाव है, मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, थोड़ा वीडियो बनाता हूँ लेकिन मज़ा नहीं आता मुझे भी वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोगों के बीच में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ देते रहते हैं, ठीक है? हरने उछल सर आपके पास पास सा किस लगवा वीजा? तो भैया मेरे पास जो है 3 आदमी का लगा है, जो हमारे उधर का है, ठीक है? उनका लग गया है, 1 महीने में यहाँ आ जाएंगे तो वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे आप लोग को कौन बंदा है कहाँ है। ओके, एजेंट पर भरोसा नहीं होता है जी, आप तहे जी, इसलिए आप हमारा भी काम करो, ठीक है? रमेश कपारिया जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका, हो जाएगा जी, आप PDF फाइल बना के भी दीजिए पासपोर्ट का, और जो है कि एक रिज्यूम, ठीक है, कंपनी में देंगे, भैया ये बंदा है हमारा और एक एक काम करता है, उसके रिगार्डिंग आपको बोलेगा, ठीक है हमको चाहिए, तो फटाफट काम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पी माही जी सर, अप्रूवल लेटर के बाद कितना टाइम लगता है वीज़ा आने में? और यूक्रेन और रशिया की लड़ाई का कोई चक्कर तो नहीं पड़ता क्रोशिया में? जी नहीं, क्रोशिया में यूक्रेन और रशिया का लड़ाई का कोई चक्कर नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, हाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप बिंदास होके अब अपना वर्क परमिट लगवाइए, हाँ अप्रूवल लेटर आने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका जो है कि वर्क परमिट इशू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है? मनी बेनीवाल, खेती का काम मिल जाता है? तो भैया यहाँ तो ज़्यादा खेती करने वाले नहीं हैं, लेकिन जो है कि फिर भी ये थोड़ा मड़ा जो है कि सब्जी उब्जी का काम होता है यहाँ पे, सब्जी लगाते हैं तो उसमें लोग लग जाते हैं यहाँ के, बट
सही नहीं है, अच्छा नहीं है, खेती काम अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि सर्दी ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो ठंडियों में आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप जो है कि ऐसे काम में आइए जो अंदर घर के अंदर वाला काम हो और बढ़िया हो, ठीक है। हाँ विनोद कुमार जी, मैं ऑनलाइन हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हरदीप जी करवाना था, ठीक है हरदीप सिंह जी, हो जाएगा। कॉल नहीं उठा रहे हो भैया। विनोद कुमार जी ड्यूटी में रहते हैं, फिर कैसे उठाएं, फिर उसके बाद टाइम मिलता है, फिर गाड़ी चलाना है, लोगों को लेके आना है, तो ये सब सिलसिला चलता है, तो नहीं उठा पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, संडे को आप बात कर लेना, ठीक है। आप एक बार मैसेज करना नाम लिख के, फिर आपका फ़ोन रिसीव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साकेत सोनी जी, ठीक है इस संडे को मैं बात कर लूँगा, ठीक है। बिल्कुल, आपका नंबर मुझे मेरा सेव है, मैं बिंदास आप रहिए, मैं कर दूँगा, ठीक है, बात करूँगा आपसे। राम प्रवेश गुप्ता सर, फिटर का फैब्रिकेटर का जॉब है जी? हाँ राम प्रवेश गुप्ता जी, फिटर फैब्रिकेटर का काम हो जाएगा। अपना जो है कि पासपोर्ट का PDF फाइल बना के और रिज्यूम बना के भेजिए हमारे पास, ठीक है। कंपनी को दिखाएंगे, यदि कंपनी बोलती है कि ठीक है हमें चाहिए बंदा, तो हम लगवा देंगे आपका, ठीक है। कोशिश करेंगे आपका हो जाएगा काम। सर आपका नंबर मोबाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस लाइव के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुभाष खान जी सर, कौन सा वर्क ज़्यादा है वहाँ पे? तो क्रुशिया के अंदर ज़्यादा वर्क है, कंस्ट्रक्शन का है और टूरिज्म का है, जो टूरिस्ट लोग ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए एजुकेटेड आदमी चाहिए, पढ़ा लिखा फुल टू इंग्लिश आनी चाहिए, और उसके बाद जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए उसके लिए। तो कंस्ट्रक्शन लेवल में, कंस्ट्रक्शन में आसानी से काम कर सकता है बंदा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सर आप लगवा देते हैं क्या? और पैसा रिश पर हो जाएगा? तो भैया ऐसा नहीं होता है, जो भी पैसे का लेन देन इंडिया में है, इंडिया में ही लेन देन करना है और यहाँ आने से पहले, ठीक है। एजेंट का को कितना पास देना चाहिए क्रोशिया के लिए? तो बिश्नो सोने जी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपसे बात करेंगे, एजेंट को कितना देना चाहिए, ठीक है। लाइव में नहीं बता सकते, क्योंकि कोई कम कोई ज़्यादा लेन देन करते हैं। सुनीता के भाई पोतले के बाद कितने टाइम लग जाते हैं? तो सुनीता के जी आपका बात मैं समझा नहीं, आप एक बार रिपीट कीजिए, सही लिखिए, टाइप कीजिए, ठीक है। महेंद्र चौरसिया क्या दीजिए भाई, करा दीजिए, ठीक है। महेंद्र चौरसिया जी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब्दी गिरांगी भाई, एजेंट 5.5 लाख मांग रहा है, सही है क्या? जगदीप रागी जी, आपको 5.5 लाख ज़्यादा नहीं लगता? ज़्यादा लगता है आपको तो मुझे भी ज़्यादा लग रहा है, तो आपके हिसाब से यदि सही है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए ठीक है जगदीप सिंह जी, इस मोबाइल के जो है कि डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उससे मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, बात करेंगे, ठीक है। इस पे इस टॉपिक पे बताएंगे आपको, ठीक है। शहबाज खान जी, एक हेल्पर के लिए कौन सी जॉब्स अच्छी रहती है? भैया हेल्पर के लिए सब जॉब बराबर है, हेल्पर है तो हेल्पर ही है, उसके लिए कोई भी काम दे सकता है बंदा, अगला कोई भी काम करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सनी सीमर जी सर आप व्हाट्सएप पर रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं? करेंगे यार, थोड़ा टाइम तो दीजिए। आप लेटेस्ट वीजा स्टैम्पिंग कितने दिन में होता है? तो 2 से 3 हफ्ते में स्टैम्पिंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्रोशिया में कितना पैसे लगते हैं? ठीक है जी आपका व्हाट्सएप नंबर। मेरी अपॉइंटमेंट कितने टाइम तक मिल जाती है? BSF में अपॉइंटमेंट मिल रही है इस समय, ठीक है। जिस बंदे को अगर अपॉइंटमेंट चाहिए, अगर नहीं मिल रही है तो बताएं, मैं दिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है महेंद्र चौरसिया जी, ठीक है आप बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रहमत अली भाई जी, आपके जरिए क्या काम हो जाएगा क्रोशिया के लिए, एल्युमिनियम फैब्रिकेटर के लिए 16 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो रहमत अली जी, आप एक बार जो है कि अपना पासपोर्ट का PDF फाइल भेजिए और जो है कि एक रिज्यूम बना के भेजिए, ठीक है सर ने। चल सर, मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपको। विजय गहलोत, हेलो जी विजय कुरिया, हाय नातू मातो, राम राम भाई, राम राम जी विजय, क्या हाल है भैया? ठीक है बहुत बढ़िया विजय जी। सुभाष चंद, नमस्कार भाई, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या एंड आपका विलेज का नाम बताएं प्लीज भाई। सुभाष चंद जी, मेरा जो लाइव आ रहा है, जो लाइव है जो देख रहे हैं आप, इसके लास्ट में ख़त्म हो जाएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने जो है कि मोबाइल नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप लेके और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है विजय कोरिया जी। नरेश कोरिया बोल रहे हैं, ठीक है जी विजय बोलिए जी। सिंह वाइट स्टूडियो भाई जी, फ्लाइट कितने रुपए तक मिल जाती है? दिलाडू जागरेब, एयर इंडिया प्लस लुफ्ताना। तो भैया सिंह स्टूडियो जी, मैं आपको बता दूं कि फ्लाइट सस्ती लेनी है तो फ्लाइट दुबई की लीजिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरी फ्लाइट लेंगे तो वाया करके रहेगा, उसमें एयरलाइंस चेंज हो जाती हैं तो उसमें समस्या हो जाता है, और एक ही एयरलाइंस रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। तो फ्लाई दुबई लेंगे तो फ्लाई दुबई, दुबई से क्रोशिया आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक पाटिल, ऑफर लेटर आने के बाद वर्क परमिट आने में कितना टाइम लगता है? भैया 15 से 20 दिन और 1 महीना, इतने दिन में आ जाता है अभिषेक जी, ठीक है। हाँ आप क्या कॉन्ट्रैक्ट, आप कैसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं भैया? तो हमारा जो है कि मोबाइल नंबर मैं डाल दूंगा, उसे आप कांटेक्ट कर सकती, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भाई क्रोशिया में पैसे कितने लगेंगे भाई? तो विनोद कुमार जी, आप मेरे व्हाट्सएप पे फ़ोन कीजिए, बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। सर मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ और आपका हर एक वीडियो पर लाइक भी किया है। सर मैं January 1 को अप्लाई किया था, एजेंट बोल रहा है कि मार्च के लास्ट तक होगा, क्या सही हो बोल रहा है? तो भैया 1 जनवरी को अप्लाई किया था, January 1 मार्च 2 महीना हो गया, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए यदि बोल रहा है तो मार्च लास्ट तक देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो करता है तो अपना जो है कि जो भी लेन देन किए हैं उसको आप निपटा लीजिएगा, ठीक है भाई। 2014 में ग्रीस गया था और 2015 में वापस आ गया, इसका कोई इशू तो नहीं बनता? 2 बार फ्रांस अप्लाई किया था, रिफ्यूज हो गया। अरे यार ये तो गिर गया, एक मिनट यार, थोड़ा सा चार्जिंग का प्रॉब्लम है, एक मिनट बताता हूँ भैया। ठीक है हाँ अभी सही है। ठीक है ओके। तो भैया उसका कुछ भी इशू नहीं है, आप कहीं गए थे चाहे ग्रीस, उसका कोई इशू नहीं है, यदि कंपनी ने आपको अप्रूवल लेटर दे दिया कि हाँ अपनी कंपनी में दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ग्रीस पंडित, मेरा 4 लोगों का फैमिली है, उसमें 2 चिल्ड्रेन, 1 महीने का कितना खाने पीने का हो सकता है? भैया 4 लोगों का फैमिली है तो खाने का खर्चा तो मान लीजिए 2,000 खुना में आप निपटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1,000 1,000 2,000 में निपटा लेंगे आपका आराम से खूब, क्योंकि एक साथ बनेगा आपका, ज़्यादा खर्चा नहीं रहेगा, फालतू खर्चा नहीं है, तो 2,000 खुना में निपटा लेंगे। यदि अपार्टमेंट अलग से लेंगे तो 2,000 उसका भी लगेगा, यानी कि 4-5 हज़ार आपका हर महीने खर्चा हो जाएगा, 5,000 खुना, ठीक है। ओवर टाइम में कितने रुपये घंटे मिलता है जी? कितने घंटे कर सकते हैं? तो भैया यहाँ पे ओवर टाइम 2 घंटे ही चलता है नॉर्मल,
और 1 घंटे का 40 कुना के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कितना बनता है, 80 कुना कितनी को बन जाएगा। विवेक कुमार सर काम कोई कम है अच्छा सा, ठीक है विजय कुमार जी अब व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, ठीक है बताएंगे आपको। आप क्रोशिया वर्क परमिट को, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा 15 दिन मात्र 2 हफ्ते में मेरा वर्क परमिट निकला है, ठीक है। मैं जिस दिन अपोजिशन करा के और सब डॉक्यूमेंट दे दिया तो उससे 15 दिन में मेरा वर्क परमिट निकल गया है, मेरा महीना भी नहीं हुआ सब कुछ डॉक्यूमेंट दे के और वर्क परमिट भी निकल गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यदि कंपनी चाहेगी तो 2 हफ्ते में दे देगी, ठीक है। रहमत अली एलुमिनियम फैब्रिकेटर टेक्नीशियन ग्लास जी, रहमत अली जी हो जाएगा काम आपका, ठीक है। आप PDF बना के अपना पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट दीजिए और जो है कि एक CV बनाइए, रिज्यूम बनाइए, ठीक है। ओके जी सुभाष चंद्र जी, ठीक है। कितने टाइम लगता है अपलोड में, तो सबका लगभग सबका सेम ही सवाल है, कितना टाइम लगता है, 15 से 20 दिन और 1 महीना अधिक से अधिक, ठीक है। ओके जी ठीक है, मेरा नंबर मिल जाएगा इसमें डिस्क्रिप्शन में मोबाइल वीडियो के, ठीक है। ओके जी गिरीश पंडित वर्क आ गया है, वीज़ा अप्लाई करूँगा, वीज़ा आने के बाद कितने टाइम में क्रोशिया इंटर होना चाहिए। तो वीज़ा जब आ जाएगा आपको वीज़ा, तो जो उस पर लिखा रहेगा कितना वैलिड है कब तक वैलिड है, उस डेट के पहले पहले आप आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके साथी सतनाम, हम 3 बंदे हैं आ रहे हैं, ठीक है आइए, स्वागत है आपका। ओके सर जी आप क्या जॉब करते हो? भैया मैं MD सलेमुद्दीन, मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ, टाइल्स का टाइल लगाता हूँ बिल्डिंगों में, ठीक है। हमारा भी मैसेज पढ़ लो भैया, रहमत अली जी आपका तो पढ़ लिया पहले ही मैं। भाई प्लम्बर का कितना काम है यहाँ पे, काम है प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, सब काम है भैया यहाँ पे, बस बंदे ढंग का चाहिए, स्किल वाले बंदे चाहिए। भैया वर्क परमिट में कितना टाइम लगता है? सुनीता के जी यहाँ वर्क परमिट के लिए कम से कम 1 महीना लगता ही है, 1 महीना के अंदर अंदर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। राउस की जॉब है जी, सब जॉब है। सर जी मुझे इंग्लिश आती है, मुझे क्या जॉब मिलेगा? तो भैया आपको जॉब नहीं मिलता ऐसे, आप कौन सी जॉब करना चाहेंगे, क्या करते हैं, आपका प्रोफेशनल स्किल क्या है वो बताएं, ठीक है उसमें आप आइए तो बेहतर रहेगा। विजय गालोट जी बता देंगे, आपका व्हाट्सएप नंबर है, मैं फ़ोन करूँगा कल आपको, ठीक है। नहीं जी भी स्टडी वीज़ा में तो नहीं मिलता जल्दी, वर्क परमिट चाहिए उसके लिए। ओके जी प्रदीप यादव हेलो जी, हाँ जी कुमार विवेक भैया आफर लेटर साइन करने के 2 मंथ बाद हो गए, वर्क परमिट लेटर नहीं आया, कितना टाइम लगता है? तो आ जाना चाहिए भैया, 2 महीने तो काफ़ी हो गया, साइन करने के बाद आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया आपका, तो टाइम काफ़ी हो गया, ठीक ना। और प्रदीप यादव जी खाना नहीं हुआ अभी, तो बनना शुरू हुआ है हमारे यहाँ, यहाँ पे टाइमिंग का जो है कि थोड़ा सा चेंजिंग है ना, आपको पता है ये अभी तो 7 बजने वाला है यहाँ पे, तो अभी 7 बजने वाला है और इतना जल्दी हम कहाँ खाना यहाँ बनता है, 7 बजे तो लोग बनाना शुरू कर रहे हैं अभी, ठीक है। थोड़ा सा यार मोबाइल फिट नहीं बैठ रही है मेरी, सरक जा रही है, तो इसको सेटअप करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बार बार हिल रही है। हाँ अभी थोड़ा कुछ सही है, एक मिनट
हाँ अभी सही है। हाँ जीत काम विजय। हाँ खाना नहीं हुआ अभी, बन रहा है। करी जी हमारे भी करा दो भाई। मैं जसविंदर कारपेंटर। जसविंदर भाई आप जो है कि अपना जो है कि पासपोर्ट का पीडीएफ फाइल और एक रिज्यूम बना के, सीवी बना के मुझे सेंड कीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, आपका कोशिश करता हूँ करवाने के लिए, सही बन जाए करवाऊँगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, मौसम कैसा है वहाँ पे? तो मौसम तो बहुत ठंडा है यहाँ पे, बाहर तो बहुत ठंडा है। सुबह -1 डिग्री तापमान था, अब इस समय जो है कि थोड़ा सा ठंडी ज़्यादा है। अभी देखिए रूम के अंदर हीटर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, फिर भी जैकेट पहने हैं, टोपी लगाए हुए हैं, तो ठंडा मौसम है काफ़ी। एमडी जो है कि एम के एस नीरज पीसीसी, मेरा पोस्टल हुआ था क्रोशिया में, नहीं हुआ। अच्छा ठीक है जी। सर क्या सुपरमार्केट में जॉब मिल सकती है क्रोशिया में? जी नहीं, सुपरमार्केट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ सुपरमार्केट में एक से एक सुंदर सुंदर लड़कियाँ रहती हैं, काम करती हैं, ठीक है, तो हम जैसे को नहीं रहे वो लोग लेंगे, उसके लिए पर्सनालिटी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए, ठीक है। मैं कल आपको भेजता हूँ, ठीक है जी। यानी के नीरज जी भेजिए। गिरीश पंडित थैंक यू वेरी मच, सो यू आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब फॉर एंसरिंग एवरी बड़ी क्वेश्चन, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का। हाउ आर यू क्रोशियन? आर यू इन द सेम काइंड ऑफ गोद्रा? क्या आप सम एस 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 प्रॉब्लम? हाँ रशिया इज बेटर नाउ, विवेक कुमार सर वीजा कितना टाइम में आ जाता है? वीजा आ जाता है भैया, यहाँ पे क्रोशिया का वीज़ा जो है कि 15 से 20 दिन में वर्क परमिट इशू हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फारोन क्रेज जेसीबी ऑपरेटर काम मिल जाएगा? और कैसा काम है जेसीबी का? तो भैया जैसे जेसीबी ऑपरेटर काम वैसा ही जैसे इंडिया में होता है, गड्ढे खुदाई करना है, बिल्डिंग बनाना है, रोड का काम है, सब वही काम है, तो मिल तो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विजय गलोट गुड नाइट भाई, गुड नाइट जी। रहमत अली और भाई अगर हम आपके पास आ गए तो आपको बिरयानी अपने हाथ से बना खिलाएंगे। रहमत अली जी हाँ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन बिरयानी खाने खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, लेकिन आपका मैं काम करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो समय की बात है, जब मिलेंगे तो मिल बाटे खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी के क्रॉसफिट, हेलो सर, मेरा ऑफर लेटर आए और अप्रूवल भी, परमिट कितने टाइम में आ जाएगा? परमिट आ जाएगा भैया 1 से 1.5 महीने में आ जाएगा, उसको बोलिए आप उसको थोड़ा सा डोज दीजिए जिस एजेंट को, ठीक है, तो करवा देगा जल्दी। सुमन भूषाल भैया जी, स्टील फिक्सर का काम कितना हार्ड होता है? जी स्टील फिक्सर का काम उतना ही काम है जो इंडिया में होता है, बिल्डिंग जो बनाते हैं, जो शटरिंग कारपेंटर काम करते हैं, जो स्टील के काम करते हैं, वैसा ही काम यहाँ पे भी है, उसमें दूसरा काम नहीं है कोई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। कल पक्का बता ना भाई, ठीक है जी विजय गलोट जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
सुनील सिमर जी सर, मेरा आंसर का तो दो प्लीज, कंपनी बारे में पूछ रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो सनी सिमर जी, आप एक बार अपना जो है कि बताइए क्या आपका समस्या है। दोगरा जी, यस आई एम वर्किंग इन क्रोशिया क्रामिका वर्क प्लोचिचे। ओके, यस आई एम वर्किंग इन क्रोशिया एंड आई एम वर्किंग नाउ इन क्रोशिया इन जागरेब। सुनीता के एलुमिनियम फैब्रिकेटर में कितने सैलरी मिल जाएगी? तो भैया जो है कि यहाँ पे क्रोशिया के अंदर सैलरी आप मिनिमम मान के चलिए 50 से 60 हज़ार इंडियन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कमा लेंगे स्टार्टिंग दौर में, यदि आप जैसा काम करेंगे, अगर कुछ आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो अच्छे सैलरी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो भैया हाँ, जिसको भी कांटेक्ट करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हैप्पी माही जी सर, टोटल डॉक्यूमेंट कितने लगेंगे? और अगर किसी को नॉर्मल इंग्लिश आती है तो क्या वो यहाँ सेटल हो जा सकता है? भैया यहाँ तो नॉर्मल इंग्लिश की बात करते हो, यहाँ तो एकदम अंगूठा छाप आ गए हैं अनपढ़, जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इंग्लिश का, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी आ गए हैं, वो भी कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है, बस सपोर्ट चाहिए पीछे से किसी बंदे का। ठीक है, कल कितने टाइम में भेजूँ? कल आप भेज दीजिए, ठीक है, कल ड्यूटी में रहूँगा, आपका आ जाएगा, आपका मैं सेव कर लूँगा आपके नाम से, और जैसे जैसे आपका लोगों का जो आते रहेगा और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगा फिर बताएंगे आप लोग को। ठीक है, ओके जी सर। वहाँ खाने में कितना खर्चा होता है 1 महीने के? भैया आप एक ग्रुप बाय में खाएंगे, 4 5 लोग 6 लोग का ग्रुप बना के अगर खाना बना के खाएंगे तो थोड़ा कम होगा, और ज़्यादा अकेले खाएंगे तो ज़्यादा पैसे खर्चे होंगे। सनी सनी जी भाई, अम्बले हंटर डोडो कैसा है क्रोशिया में? ठीक है जी, इसके बारे में पता करेंगे, मैं जो है कि आपका स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ इसका, ठीक है, ले लिया मैंने, और इस कंपनी के बारे में देखते हैं। ठीक है, अभी कितने टाइम लगे? तो अपोस्टल करवा दिए हैं आपने, एजेंट को दे दिए हैं सुनीता के जी, तो आप उससे बात कीजिए कब तक होगा हमारा, और जो है कि कब करवा देंगे। ऋषि गुरुंग जी फेक या रियल? मैं ऐसे, ऋषि गुरुंग जी आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो कैसे बताएं फेक या रियल? ठीक है, रोहित कुमार, धर्मेंद्र सर कैसे हो? ठीक है जी, आप लेटर साइनिंग करने के कितने दिनों के बाद वर्क परमिट आता है? तो आप लेटर साइन करने के बाद कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है भैया कि कंपनी कब दे रही है, अगर अच्छी कंपनी को अर्जेंट आदमी है तो 1 महीने के अंदर वर्क परमिट इशू करवा देगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और जो है कि अगर ही गोधरा कोई क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि आपने एसिलम को नहीं कराई। भैया मैं समझ रहा हूँ लेकिन मैं उसका जवाब देना नहीं समझा। ठीक है करे जी, उसको जाने दो, तो उसको मुझे जो है कि उसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा उसको साइड में रख दिए इसलिए। ठीक है, तो उसको बहुत लोग ऐसे हैं जो लोगों का जो रिफ्यूज हो जाते हैं, रिफ्यूजी होते हैं, उनका ज़्यादा फायदा उठाते हैं लोग, काम करवा के पैसे नहीं देते हैं। फॉरेन के जी, जॉब की जॉब में कितना सैलरी है? जेसीबी की जॉब की है या जेसीबी जॉब में, चाहे किसी भी जॉब में आप
लोग का सबका सबका सेम ही रहता है, 2-4-5 हज़ार के अंतर रहते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। बस ये मान के चलिए कि जो थोड़ा सा है ऑपरेटर है उनका थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, जो वर्कर हैं थोड़ा सा कम रहेगा, 5 हज़ार, इतना ही अंतर है। बाकी लगभग सेम सैलरी है यहाँ पे। यदि आप क्रोशन चाहे हैं, चाहे अगर आप इंडियन हैं, तो इंडियन के हिसाब से सैलरी सबका देते हैं लोग। ठीक है, स्टील फिक्सर का सैलरी मिनिमम जो है कि 5 हज़ार गुना बेसिक सैलरी, उसके बाद जैसा काम करेंगे वैसा पैसे कमाएंगे। ठीक है, हैप्पी माई, ओके जी। स्टाफ कितनी, सनी शिमर सर मेरा ऑफर लेटर आ गया है, अब टोटल कितना टाइम लगेगा? ऑफर लेटर आ गया तो 1.5 से 2 महीने लग जाएगा। ठीक है, फोर डीलर में तो अर्निंग अच्छी है, वैसा ड्यूटी भी है, लेकिन उसके लिए आपको पास जो है कि इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, और साथ में जो है कि आपका जो है कि स्कूल का जो है कि डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, सेल में नहीं मिल पाएगा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है विक्की जी, बोलो। ठीक है जी, स्टील सैलरी सेल्स में जॉब मिलेगा क्या? उसका स्कोप बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे लोकल लैंग्वेज ज़्यादा चलती है भैया, उसमें समस्या हो जाएगी, इंग्लिश का तो बहुत कम है। काम पे परफेक्ट ना हो तो प्रॉब्लम आ सकती है क्या? जी सनी समीर जी, काम में परफेक्ट नहीं है तो समस्या आएगी थोड़ा, लेकिन कुछ दिन के बाद आप रहते रहते मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? राजवीर सिंह जी, क्रोशिया वर्क परमिट का ऑफर लेटर कितने टाइम में आता है? तो 1.5 से 2 महीने में आ जाता है। ठीक है, एमडी जो स्टील फिक्सर की सैलरी कितना है? स्टील फिक्सर की सैलरी भैया 5 हज़ार से स्टार्टिंग, बेसिक 5,500 कूना प्लस ओवर टाइम, जितना आप ड्यूटी करेंगे उतना आपका सैलरी आएगा, 6-7 हज़ार कमा लेंगे आप स्टार्टिंग दौर में, 6-7 हज़ार कूना। ठीक है जी, प्री चौधरी ऑफिशियल सर, यूक्रेन और रशिया की वार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रोशिया में? जी नहीं, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास होके आइए। सूरज कुमार, ओके। राहुल कुमार, व्हाट्सएप नंबर रिप्लाई करो। ठीक है जी, करेंगे व्हाट्सएप पे। मेसन की सैलरी स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी, 50 से 60 हज़ार कमा लेंगे, है ना? ओके जी, ओके जी, ओके जी। सुजीत भाई, आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हो। ठीक है, देंगे यार। फूड डिलीवरी ठीक है, हो जाएगा पीके जी। पंचाल, ऑफर लेटर के बाद क्या क्या प्रोसेस होती? ऑफर लेटर के बाद वर्क परमिट का प्रोसेस रहता है। ठीक है, ठीक है। फूड पैकिंग की कितनी सैलरी मिलती है? फूड पैकिंग हो चाहे कोई भी हो भैया, शुरुआती दौर में मिल जाएगा आप लोगों को, खा पी के जो है कि 50 से 60 हज़ार कमा लेंगे आप। ठीक है, इससे सैलरी 5 हज़ार कूना स्टार्टिंग में। जतिन दावा, राम राम जी, राम राम, क्या हाल चाल? हाल चाल ठीक है। राहुल कुमार जी, आपका एजेंट 5 लाख मांग रहा है, तो देखिए अपने हिसाब से। ठीक है, हाँ थोड़ा सा यार बैठे बैठे बोर हो गए, थोड़ा सा लेट लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी बना देंगे आप लोग के बीच में। स्टील फिक्सर सैलरी कितनी? अरे भैया मैं तो बता दिया, स्टील फिक्सर का सैलरी जो है कि यहाँ पे मिल जाता है
शुरुआती में 5,000 गुना बेसिक सैलरी प्लस काम के हिसाब से ज़्यादा काम करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा और मिलेगा, है ना। नमस्ते ठाकुर विशाल। हाँ जी ठीक है। जतिन अहरवार रोका का पता किया जेपरनिस में। नहीं जी मैं याद नहीं रहा। ठीक है चलिए स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ आपका, और जो है कि ठीक है पता करता हूँ। अगर कम यदि काम पूरी तरह ना आता हो तो इंडिया वापस भेज सकते हैं कंपनी। नहीं जी यहाँ आने के बाद कोई इंडिया नहीं जाता है, सब यहीं पे सेटल कर लेते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है ओके जी। मेरा जो है कि भैया ठीक है मैं फेसबुक पे चेक करता हूँ भैया कितना मैसेज है। ठीक है भवेश पंचाल, मेरा आज ऑफर लेटर आया था, 6,700 कोना सैलरी लिखा था, तो बहुत बढ़िया है भैया। इतना सैलरी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा कमाओगे भैया। इतना सैलरी तो बहुत कम देते हैं, आपका नसीब अच्छा है कि आपको इतना मिल गया। ठीक है प्री चौधरी आपशल सर, पंजाब का एजेंट बोल रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से वीज़ा लेट हो सकता है, क्या सच है? जी ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ वर्क परमिट इशू हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं। ठीक है हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग आ रहे हैं। ओके मानिक दास जी, गिव योर व्हाट्सएप, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ से जाके आप ले लीजिए। ठीक है कमल एयरपोर्ट ड्राइवर का है क्या कुछ? हैवी ड्राइवर है जी हाँ, हैवी ड्राइवर का हो जाएगा। आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए कमल जी, और वहाँ पे मेरा नंबर है, वहाँ से लेके आप मेरे को मैसेज कीजिए, हैवी ड्राइवर का काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अमन चौबे, वेटर की सैलरी भैया कितनी होगी वहाँ पे? तो वेटर की सैलरी भैया स्टार्टिंग दौर में जो है कि आप खा पी के कमा लोगे 50 से 60 हज़ार। ठाकुर विशाल जी आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है आपका मैं ध्यान नहीं दिया आपका क्वेश्चन, ठीक है क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। एंड लाइसेंस इंडिया वाला चिप वाला लाइसेंस का इश्यू तो नहीं? जी नहीं पीके जी कोई इश्यू नहीं है, मेरा भी चिप वाला है, मैं उसी से ड्राइविंग करता हूँ। राजदीप सिंह जी पैसे जो है कि कोई यहाँ का फिक्स रेट नहीं है, ठीक है ओके जी। ठाकुर विशाल जी ओके गुड नाइट। सर आप क्रोशिया में कौन सिटी में रहते हैं? मैं क्रोशिया में शनि सिमर जी, मैं क्रोशिया में जागरे में रहता हूँ। ठीक है राहुल कुमार 650 हीरो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हीरो कन्वर्ट कर लेंगे क्रोशिया में, देख लीजिए। अमन चौबे जी पीसीसी कितने दिन, पीसीसी देने के बाद कितना टाइम लगता है? पीसीसी देने के बाद भैया टाइम जो है 1.5 से 2 महीने लग जाता है। ठीक है विजय कोरिया जी गुड नाइट। राहुल कुमार मिलता है जी, राहुल कुमार जी 650 यूरो उससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको राहुल कुमार जी। ठीक है गिरीश पंडित, फूड और कॉन्डिश कंपनी का होता है जी? हाँ बहुत कंपनियां फूड देती हैं, एक मेंशन तो सभी देती हैं,
घर तो सभी देंगी रहने के लिए, लेकिन फूड का कोई कंपनियाँ देती हैं, बहुत से नहीं देती हैं, तो उसका कुछ इशू नहीं है। ठीक है देश पंडित जी, आपने जैकेट और टोपी क्यों पहन है? घर में सेंट्रल हीटिंग नहीं है भैया। हीटिंग है लेकिन जब आए हैं ना तो बंद था हमारा हीटर। ठीक है गिरीश पंडित जी, जब ड्यूटी से हम आए तो बंद था पूरा ठंडा रूम है, अब हीटिंग तुरंत नहीं करेगी ना, धीरे धीरे चलेगा हीटर, रात में हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा आउट में हूँ, जहाँ शोर शराबा कम है वहाँ पे थोड़ा हीटर कम है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है यह मैसेज करूँ मैं अभी ड्राइवर के लिए? ठीक है जी मैसेज कीजिए। ओके खुद ही डायरेक्ट व्हाट्सएप करूँ क्या? आप मैसेज कीजिए, उस पर पीडीएफ फाइल अपना जो है डॉक्यूमेंट जो है कि भेज दीजिए, रिज्यूम भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चेक से पेमेंट मांग रहे हैं, तो आपकी इच्छा कैसे आपको पैसे देना है उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। चेक से देना चेक से दीजिए, कैश देना कैश दीजिए, आपकी मर्जी भैया। ठीक है फनी वीडियो सर जी, जो वार लग रही है उसमें हमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा जी? नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सभी सही। हेलो सर देवेंद्र ठाकुर, क्रोशिया में प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है? तो भैया क्रोशिया में प्रोसेसिंग टाइमिंग जो है 40 से 45 दिन लग जाता है। ठीक है अमन चौबे भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अमन चौबे जी ठीक है, शुक्रिया आप लोग का इतने टाइम तक जाग रहे हैं और मेरा जो है कि आप लोग जो है कि लाइव देख रहे हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमल। ओके कल भेज देते हैं। ठीक है जी भेजिए, पीआर हो जाता है वहाँ? जी हाँ फॉरेन क्रेजी जी हो जाता है। सीनियर जॉब के बाद दूसरा जॉब मिल जाएगा क्या? जी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कष्ट का थोड़ा परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। जीजा पे मंथ का कितना मिलता है इंडियन रुपीज? वर्क वीजा तो नवीन नैन जी दोबारा आप रिपीट कीजिए, आपकी बात समझा नहीं, दोबारा बताइए। ठीक है अमन चौबे जी भैया वहाँ पे शिफ्ट के बाद से ड्यूटी होती है या 8 से 4 की टाइमिंग है? तो भैया यहाँ पे टाइमिंग जो है सुबह 7 बजे से और शाम को 5 बजे तक ड्यूटी का टाइमिंग है, और नॉर्मल जो है 4 बजे तक होता है। ठीक है राजेश यादव, आजमगढ़ में आपने विलेज का नाम बताएं, तो राजेश यादव जी आप कहाँ से हैं बताइए। ठीक है फिर बताते हैं आपको कितना दूर है आपका हमारा घर। मेरा घर सठिया पड़ता है राजेश यादव जी, सठिया। ठीक है नवीन नैन जी सर जी बता दो, तो नवीन जी मंथ का कितना मिलता है इंडियन रुपीज में? तो भैया वर्क परमिट पे मंथ का आप ये मान लीजिए कि खा पी के 50 से 60 हज़ार कमा लेंगे शुरुआती दौर में, जैसा आप काम करेंगे आपका काम अच्छा रहेगा तो ठीक है और ज़्यादा कमाएंगे। ठीक है और ज़्यादा कमाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कंपनी क्रोशिया की है क्या? इंडियन की क्रोशिया में, तो भैया यहाँ पे सब क्रोशियन का कंपनियाँ हैं, इंडियन कंपनी कोई भी नहीं है। ठीक है क्योंकि इसके लिए लाइसेंस चाहिए और लाइसेंस उसी को मिलेगा जो क्रोशिया का निवासी है। लेटर आ सिग्नल जॉब का उसमें तब तक फ्लाइट करेंगे। तो भैया जहाँ से आपने अप्लाई किया उससे आप बात कीजिए, पूछिए कब तक फ्लाइट करेंगे। ठीक है क्योंकि उनका जो ग्रुप वाइज ग्रुप रहता है, तो कब आपका ग्रुप के साथ कब क्या करेंगे कुछ आइडिया नहीं है अपने को। ठीक है ओके जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो काफ़ी लोग लग रहे हैं अब
8 4 12 टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है, सोने के चक्कर में है सर। वर्क परमिट में हेल्पर जॉब में स्टार्टिंग में कितने मंथ का वीज़ा आता है, फिर क्या एक्सटेंड हो जाता है? तो भैया यहाँ पे वर्क परमिट में चाहे हेल्पर हो चाहे मेसन हो, सबका वर्क परमिट 1 साल का मिलता है और 1 साल की TRC बनती है, उसके बाद एक्सटेंड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हर साल के बाद रिन्यू करवा देती है कंपनी, दिक्कत समस्या नहीं है कुछ भी, ठीक है। डेट दे के अंदर भेज देंगे भैया, जो है कि जिस डेट का आपका जो वो स्टम्पिंग होना उस डेट के अंदर आपको होना है, ठीक है सर। टाइल वर्क का काम 3 से 4 महीना है। अरे भैया भैया, मैंने लाइव तो कटिंग भी नहीं किया। 3 से 4 महीना में सीख सकता हूँ क्या? अगर मैं सीखूँ तो कृषि में आना के लिए, ठीक है पीके जी, आप जो है कि सीख लीजिए। यहाँ पे टाइल का काम खूब चलता है और उसका स्कोप भी अच्छा है, यहाँ पे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के यूपी अप डाउन टिकट, तो भैया अप डाउन टिकट नहीं, अगर वर्क परमिट में आ रहे हैं तो एक ही तरफ का काफ़ी है, ठीक है ना। मेरी 4 5 हज़ार 460 गुना सैलरी लगी है, सही है क्या? सही है जी, सही है, 5 हज़ार 460 गुना बहुत बढ़िया है, इतना ही लगता है। ठीक अब मैं लाइव है, लोग फोन कर रहे हैं, वो ये तो पता होना चाहिए कि लाइव बंद नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपका गांव चटिया पड़ता है तो मेरा बुआ जी का घर भी परदेसी मोड़ के पास से है, ठीक है भैया हमन चौबे जी, बहुत अच्छी बात है आपका परदेसी मोड़ के पास है। तो भाई पासपोर्ट क्रुशिया में रिन्यू रीशू हो जाता है, ठीक है। आओ जी भवे जी, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के एम्बेसी में इतना इंडियन नहीं जाते हैं, जो जाते हैं उनका स्वागत करते हैं, वो करा कर देते हैं बहुत जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नवीन नैनी जी, सर जिसकी इंग्लिश वीक हो वो चल जाएगा? जी बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं 3 मंथ की डेट होती है क्या जी? 3 मंथ की आजकल तो 3 मंथ नहीं, 45 दिन के अंदर अंदर, 1 महीना 45 दिन ऐसे दे रहे हैं, 3 महीना भी दे देते हैं किसी किसी का। सभी लोग सैलरी का पूछ रहे हैं बार बार, तो भैया सबको सैलरी ज़्यादा पैसे कमाने का इच्छा होता है ना, तो पूछेंगे ही ना। ऑफर लेटर के बाद कितना टाइम लगता है? ऑफर लेटर के बाद भैया 1.5 से 2 महीने लग जाता है, ठीक है सर। वीजा स्टैम्पिंग में 3 मंथ की डेट होती है क्या? वीजा स्टैम्पिंग मतलब बताया था ना आपको कि वीजा स्टैम्पिंग में किसी का 30 दिन, किसी का 40 दिन, किसी का 45 दिन और किसी का 3 महीने भी होता है, ठीक है। तो काफ़ी लोग जो है कि जाके हुए, 1 घंटा होने वाला है, चलो 1 घंटा के ऊपर हो जाता है लाइव। और कमाल इरपुदे, वैसे हैवी ड्राइवर का कितना सैलरी होता है? तो वैसे भैया हैवी ड्राइवर की सैलरी यहाँ पे तो खूब अच्छी खासी है, लेकिन उसके लिए आपको यूरोपियन जो है कि लाइसेंस चाहिए। यदि यूरोपियन लाइसेंस आपके पास बन जाता है तो आपको कम से कम 2,000 यूरो के आसपास सैलरी मिल जाएगी, ठीक है सर। मैं पूछ रहा हूँ कि जी काम 3 से 4 मंथ में सीख जाता है क्या? टाइल का 3 से 4 मंथ में सीख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके जी, गुड नाइट दोस्तों, अभी टाइमिंग हो रहा है रखने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी लोग जाग रहे थे और काफ़ी लोग का सपोर्ट रहा, उसके लिए सबको धन्यवाद और सभी भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।
विजय राजपूत सर, मेरा फ्रेंड आया है। हाँ जी, ओके। जस्ट बिंग, ओके। हम लोग क्रोशिया आना चाहते हैं, मेरा घर चिरैया कोट है। ठीक है राजेश यादव जी, आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जाएंगे तो मेरा क्रोशिया का नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कीजिए, आपसे बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप से जब जुड़ जाएंगे, बात करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बात हो जाएगी, आपको बता देंगे, सब कुछ जानकारियाँ दे देंगे। ठीक है, इंडिया से डोमिनो पर जॉब करता हूँ, मुझे जॉब मिल सकता है जी? फूड डिलीवरी में आप कर सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इन्फॉर्मेशन, गुड नाइट, हो गॉड ब्लेस यू। ओके जी, धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट सभी दोस्तों को। तो दोस्तों आज का जो है कि मैं रखता हूँ, फिर कल मिलेंगे इसी सेम टाइम पे लाइव में। ठीक है, और आप लोगों का जो भी जवाब रहेगा, उसका जो भी क्वेश्चन रहेगा, उसका जो मैं जवाब दूंगा। तो आज रखता हूँ, आज का जो है कि लाइव यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सबको गुड नाइट, बाय बाय। ओके दोस्तों, नमस्कार।